नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चलती ट्रेन में अबनॉर्मल युक्ति के साथ सामूहिक दुष्कर्म। जी हां, बता दें कि 12-6 दोनों यशवंतपुर निजामुद्दीन सपद क्रांति में 9:30-10 के बीच टेमरारी और चारखेड़ा के बीच हुआ सामूहिक दुष्कर्म। युवती के साथ दुष्कर्म कर आरोपी फरार। भोपाल जीआरपी पुलिस ने 18 लोगों को लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। पेंटी का डब्बा अंदर से था सील, पेंटी का मैनेजर भी हुआ फरार। जीआरपी पुलिस द्वारा कड़ी मशक्कत के साथ खुलवाया गया पेंटी का डिब्बा, उसमें मौजूद सभी कर्मचारियों को पूछताछ के लिए लिया गया हिरासत में। बताया जा रहा है, अबनॉर्मल युवती मुंबई से चढ़ी थी ट्रेन में। मंदबुद्धि होने के कारण युवती साफ साफ जानकारी नहीं दे पा रही है। पुलिस की पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद युवती को मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। मैं सिर्फ अनिल कुमार शर्मा, डिप्टी स्टेशन मैनेजर कमर्शियल हूं मैं, और रात्रि पाली में 12-8 में कार्य कर रहा हूं। मुझे कंट्रोल से मैसेज मिला था, श्री शैलेश सक्सेना ने दिया था कि 26-29 में किसी बालिका के साथ गलत काम हुआ है। उस चक्कर में हमने जीआरपी आरपीएफ को अनाउंसमेंट करवाया था और हम लोग उस गाड़ी में गए थे, किंतु पेंट्री कार के जो कर्मचारी उन लोगों ने अंदर से सील कर रखा था, हमने फिर CNW स्टाफ को अनाउंसमेंट कराया और तब जाके पेंट्री कार को खुलवाया, और उसके बाद पेंट्री कार के जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको जीआरपी ऑफिस में लेके आई है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।